हेलो दोस्तों, आज का जो प्लान है ऑलरेडी आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। 18x35 दो बेडरूम के साथ किचन, लैट्रिन, बाथरूम, हॉल, बरामदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया है। अगर आपका प्लॉट गांव का प्लान है अगर तो वो भी बना सकते हैं, सिटी का प्लान है तो बेसिकली ये सिटी के हिसाब से प्लान बनाया गया है। इसमें क्या है, सीढ़ी बाहर से दिए गए, मान लीजिए कोई अगर आप ऊपर की तरफ कोई मकान दूसरा बनाते हैं तो यहाँ पर सीढ़ी आपके बाहर से बाहर रहेगी और इस सीढ़ी के नीचे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और आपको एक एक डिटेल बताएंगे। नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट करके नक्शा बना सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब प्लान की अगर बात करें तो जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है आप देख सकते हैं, 10x10 के सारे कॉलम यहाँ पे आपके दिए गए दोस्तों। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये 10x10 के आपके कॉलम हो जाएंगे और इस कॉलम में आपको 4 सरिये 12mm का आपको यूज करना है दोस्तों। जो भी सरिया आपको यूज करना है 12mm का आपका यूज करना है दोस्तों, 4 सरिया, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि 10 का सरिया यूज करते हैं कॉलम में, जो कि गलत है। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि आपको मिनिमम 12mm का ही सरिया यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कॉलम्स रेडी हो जाएंगे। अब मकान के कितने नंबर आप कॉलम हो गए, पीछे 3 हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 कॉलम्स इसमें आपके टोटल हो जाएंगे दोस्तों। बाहर के जो दीवार है वो 5 इंची की है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बाहर की दीवार 5 इंची आपको मिल जाएगी इस तरीके से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 5 इंची दीवार देने में। और अंदर की जो दीवार है वो सब 10 इंची की, मतलब जो भी मतलब बाहर की दीवार 5 इंची इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए ये 3 साइड से प्लॉट क्लोज है, तो 10 इंची अगर दीवार बना देंगे तो कोई मीनिंग है नहीं क्योंकि खिड़की तो लगाना है नहीं इसमें, और सेफ्टी का भी कोई मैटर नहीं क्योंकि तीनों साइड से ऑलरेडी क्लोज है। तो बाहर की दीवार आप 5 इंची रख सकते हैं, अगर आपका प्लॉट ओपन होता तो आप 10 इंची दीवार रखते तो जरूरी था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बाहर की दीवार आपकी 5 इंची हो जाएगी और ये फ्रंट की जो दीवार है आपकी 10 इंची की रहेगी दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट की जो भी दीवार है वो 10 इंची की आपकी इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पूरा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। भाई मकान दीवार वगैरह बना लिया, भाई कुर्सी भी तो बनाना होगा, तो कुर्सी आप देख लीजिए, इसका जो प्लिंथ लेवल है आप देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपका प्लिंथ लेवल यहाँ पे इस तरीके से आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कुर्सी का जो साइज़ है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया इस तरीके से, आपका प्लिंथ का हाइट और वगैरह आपका इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लिंथ लेवल यहाँ तक आपका पूरा ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका थोड़ा सा मैं टेक्सचर भी चेंज कर देता हूँ। प्लिंथ का एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि प्लिंथ आपको अच्छा खासा रखना है, 2.5 फिट 3 फिट कम से कम रखें। इससे होगा क्या, अगर आसपास पानी वगैरह लगता है, कोई दिक्कत होती है तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका प्लिंथ लेवल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका रैंप बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रैंप, इस जगह पर इस पर्टिकुलर एरिया में आपका हो जाएगा रैंप, ठीक है। ये आपका हो गया रैंप इस तरीके से, ये सीढ़ियाँ आपकी बन जाएंगी इस तरीके से। और ये रैंप बनने के बाद यहाँ पे आपका हो गया रैंप इस तरीके से, और ठीक है ये आपका रैंप हो गया। इसके बाद यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये हो गई आपकी सीढ़ी। सीढ़ी आप देख लीजिए इस तरीके से, चौड़ाई हमने 2.5 फिट रखा है और थ्रेड जिस पे पैर पड़ता है उसको 10 इंच है, ऊंचाई हमने 7 इंच रखा, और ये सीढ़ी आपकी इस तरीके से पूरी आपकी रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका पार्किंग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक गेस्ट रूम, ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा इस तरीके से। गेस्ट रूम का दरवाज़ा आपका पार्किंग से आपको देना है इस तरीके से, आप देख लीजिए गेस्ट रूम का दरवाज़ा जो भी देना है आपको पार्किंग से इस तरीके से देना है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका मेन गेट, इस पर्टिकुलर एरिया पर आपका रहेगा मेन गेट, यहाँ पर रहेगा मेन गेट इस तरीके से। मेन गेट से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे एंट्री करेंगे तो आपका हॉल एरिया। हाँ, एक चीज़ इसमें है कि इस गेस्ट रूम से आपका अटैच लैट्रिन बाथरूम भी बनाया गया है दोस्तों। तो 18x35 में सारी चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छा प्लान बनाया गया, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हॉल एरिया मिलेगा, यहीं पर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है दोस्तों। इस जगह पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर दिया गया है, इसका दरवाज़ा आपका इस जगह पर आपका लग जाएगा दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका दूसरा बेडरूम हो जाएगा, इस जगह पे आपका ये दूसरा बेडरूम यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद ये आपका हो गया किचन, किचन आप देख लीजिए इस तरीके से आपका किचन हो गया इस तरीके से, ये आपका किचन हो गया। और किचन का जो दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया, और ये किचन का प्लेटफॉर्म आपका इस तरीके से रहेगा दोस्तों। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि भाई तीनों साइड से क्लोज है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, बीच में पीछे साइड हमने डक्ट दिए, इससे क्या है किचन का जो भी वेंटिलेशन होता रहेगा और इस रूम का वेंटिलेशन इस यहाँ से होता रहेगा इस डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पूरा ये प्लान हो जाएगा दोस्तों। हम पूरा मकान बनने के बाद आपको इस तरीके से ये पूरा ये दिखेगा, आप इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से पूरा ये मकान बनने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट से आप एंट्री करेंगे, ये आपका हॉल एरिया, सीढ़ी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा, इस गेस्ट रूम से आपका अटैच लैट्रिन बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ मेन गेट, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपका हॉल एरिया, ये आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम, पीछे एक बेडरूम, यहाँ पर आपका किचन, और इस किचन से आपका
यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा इस डक्ट के थ्रू। ठीक है, एक डक्ट आपको यहाँ भी देना होगा, इससे क्या है कि टॉयलेट वगैरह का वेंटिलेशन होता रहेगा और प्लस यहाँ पे उजाला रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सीढ़ी, सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई हमने 7 इंची रखा है, थ्रेड 10 इंची, चौड़ाई 2.5 फीट है। ये इस तरीके से आपकी पूरी सीढ़ी बनाई है दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। चलते हैं साइजेस की तरफ और आपको एक एक साइज हम बताते हैं कि हमने किस साइज में क्या चीज़ कैसे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की अगर बात की जाए तो ये 18 फीट हो गया। ठीक है, ये 18 फीट बाई 35 फीट में आपके पूरे प्लान बनाए गए दोस्तों। अगर ये हॉल की बात करें तो 12 फीट जो पार्किंग एरिया है इंटू 5 फीट 2 इंच का। ठीक है, यहाँ पे गेस्ट रूम जो बनाया गया है 8 फीट 3 इंच, इस तरीके से गेस्ट रूम बनाया गया 8 फीट 3 इंच इंटू 12 फीट का आपका एक गेस्ट रूम हो गया। इसके बाद ये आपका जो टॉयलेट बाथरूम अटैच वाला जो रखा गया है 4x7 का आपका टॉयलेट बाथरूम अटैच करके रखा गया है। इसके बाद ये जो कॉमन टॉयलेट है 5 फीट 6 इंच 5.5x5 का आपका ये वाला टॉयलेट बाथरूम आपका रखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 9 फीट 9 इंच जो आपका दूसरा बेडरूम है जो मतलब हॉल एरिया है 9 फीट 9 इंच इंटू 9 फीट 11 इंच आपका रखा गया है। और 6 फीट 9 इंच इंटू 7 फीट 7 इंच का आपको ये किचन एरिया मिलता है। इस बेडरूम की बात करें तो देख सकते हैं 10 फीट बाई 11 फीट का आपका बेडरूम है और ये पीछे जो डक्ट दिए गए 3 फीट चौड़ाई में आपका ये डक्ट दिया गया है दोस्तों। तो ये पूरा इस तरीके से आपका प्लान बनाया गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इस पे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई नक्शा बनाना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बना सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेके, हम तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।